हेलो वेलकम टू पेंगोस। तो अभी तक हमने जितने क्लासिफिकेशन के सिग्नल्स किए उनमें से पहले हमने स्टैंडर्ड सिग्नल्स डिफाइन किए, फिर हमने स्पेशल टाइप सिग्नल्स देखे, जितने भी फंक्शंस हो सकते हैं जो आपके एग्जाम में देखने आईएएस में आप देखने को मिल सकते हैं, वो सारे फंक्शंस हमने देखे, उनके ऑपरेशंस देखे, इवन और सिग्नल्स आपने देखे, पीरियोडिक एंड एपिलेटरी सिग्नल आपने देखे स्पेस में इन केस ऑफ कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, दैट इज डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक एंड एपिलेटरी सिग्नल। तो हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के पीरियोडिक की बात करेंगे। तो जैसे इसको समझने के लिए अगर आप थोड़ा सा स्पेशल इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कंटीन्यूअस और डिस्क्रीट टाइम है, तो इसलिए हमारे कंटीन्यूअस के साथ इसको कंपेयर करके हम इसके लिए पढ़ें। तो जैसे हमारे पास कंटीन्यूअस टाइम में कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन जिसको अपने एक्सप्लेनेशन पीरियोडिक है, अगर कोई सिंगल कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन है कांसेप्ट एक्सप्लेनेशन ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी, तो आप देखा ये एक्सप्लेनेशन है पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। अगर डिस्क्रीट टाइम के केस में डिफाइन करेंगे ये एक्सप्लेनेशन, तो आप लिखेंगे ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एट, ठीक है। अब हम इन दोनों एक्सप्लेनेशंस की फ्रीक्वेंसी में अगर हम 2 पाई का शिफ्ट देखें कि क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपने इस सिग्नल में 2 पाई का शिफ्ट दिया फ्रीक्वेंसी में, तो ई टू द पावर जे हमें यहां ओमेगा नॉट प्लस 2 पाई इनटू टी लिखा, और यहां पर हमने ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट प्लस 2 पाई इनटू एन लिखा। अब देखिए वैल्यूज, आप जानते हैं जब कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल में अगर ये पी पैटर्न है, जब आपने इतने और लिमिट दिया नहीं दिया, लिमिट हो सकता है लिमिट नहीं हो सकता, अगर आप इसको एक्सपेंड करें तो हम इसको लिख सकते हैं ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी इनटू ई टू द पावर जे 2 पाई टी, ऐसे आप यहां लिख सकते हैं ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन इनटू ई टू द पावर जे 2 पाई एन, ठीक है। तभी आपने बात की कि ये जो टी है, ये टी इतने और लिमिट भी एन इंटीजर, अगर ये इंटीजर होता तो ई टू द पावर जे 2 पाई का कोई भी इंटीजर, मतलब ये वैल्यू होती ये हमेशा 1 होती, किस केस में, जब ये टी इंटीजर होता। लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंटीजर हो, कंटीन्यूअस केस में टी कभी वैल्यू हो सकती है। तो ये जो वैल्यू है इट मे और मे नॉट बी वन, ये वन हो भी सकती है वैल्यू और नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आप यहां देखें तो ये जो एन है, जैसे ये क्या होगा इंटीजर होगा, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की बात करें तो हमेशा कहें इंटीजर वैल्यू है, और ई टू द पावर जे 2 पाई का कोई इंटीजर मल्टीप्लाई आप लेंगे तो ये वैल्यू हमेशा ही इट इज वन ऑलवेज, ये वैल्यू हमेशा ही आपको क्या मिलेगी, वन मिलेगी। तो अगर ये वैल्यू हमेशा वन है, तो यहां से क्या देखें कि ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट प्लस 2 पाई इनटू एन, ये वैल्यू हमें हमेशा ही किसके बराबर मिलेगी, ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन के बराबर मिलेगी। मतलब जो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा, यदि हमारा कोई डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन है, तो उसकी जो वैल्यू फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट की होगी, सेम वैल्यू डिस्क्रीट टाइम एक्सप्लेनेशन आपको किसी फ्रीक्वेंसी मिलेगा, अगर आप उसकी फ्रीक्वेंसी 2 पाई की किसी इंटीजर मल्टीप्लाई का शिफ्ट करें, ठीक है। मतलब यहां से एक चीज हम देख सकते हैं कि डिस्क्रीट टाइम एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल एट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ एक्सपोनेंशियल एट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट प्लस माइनस 2 पाई, या हम ओमेगा नॉट लिख लें प्लस माइनस 4 पाई, कोई भी 2 पाई का इंटीजर मल्टीप्लाई का शिफ्ट अगर फ्रीक्वेंसी में दे रहे हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल चेंज नहीं होगा। इसलिए जब आप डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एनालाइज करते हैं फ्रीक्वेंसी में, तो आपको फ्रीक्वेंसी में माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी रेंज लेने की जरूरत है, आप सिर्फ एनालाइज करने के लिए कॉन्सेप्ट लेते हैं, कोई भी 2 पाई इंटरवल लीजिए, उस बीच में आप उसको एनालाइज करिए, बीच में जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वहां पर हमें इसका एप्लीकेशन होगा। लेकिन हम अभी डिस्क्रीट टाइम पीरियड शुरू कर रहे हैं, तो ये पॉइंट हमने अभी यहां पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब अगर हम पीरियड की बात करते हैं, जैसे आपने कंटीन्यूअस टाइम पीरियड सिग्नल देखा था, कि अगर कोई पीरियड सिग्नल है, तो कंडीशन आपने लिखी, इट मस्ट एग्जिस्ट फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी फर्स्ट कंडीशन, एरर लास्ट सिग्नल होनी चाहिए, और सेकंड कंडीशन इट मस्ट बी इटसेल्फ अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम, ऐसे ही बिल्कुल यहां भी है, जैसे बिल्कुल एडजस्ट करनी चाहिए फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एन की वैल्यू के लिए, और जैसे आप लिखते थे x ऑफ t प्लस और माइनस t इक्वल्स टू x ऑफ t, अगर आपने इसको टाइम पीरियड के फॉर्म में डिफाइन किया, तो अगर हम किसी सिग्नल में टाइम पीरियड के बराबर, या फिर आप यहां पर एनटी लिख सकते हैं टाइम पीरियड का शिफ्ट, या टाइम पीरियड किसी इंटीजर में डिफरेंशिएट करने दे, तो हमें वापस वही सिग्नल मिलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के केस में भी, अगर किसी सिग्नल को डिवाइड आपको करना है, तो पहली चीज एडजस्ट करनी चाहिए माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी, और सेकंड कंडीशन अगर आप x ऑफ n प्लस और माइनस n करें, जहां पर n हमने फंडामेंटल टाइम पीरियड डिफाइन किया है, तो इट मस्ट बी इक्वल्स टू x ऑफ n, अगर हम किसी सिग्नल में टाइम पीरियड के बराबर शिफ्ट दे दें, इंटीजर में टाइम पीरियड का शिफ्ट दे दें, तो हमें वापस मिलना चाहिए वही सिग्नल मिलना चाहिए। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन की बात करें, सपोज हमारा x ऑफ n है, x ऑफ n इज इक्वल्स टू e टू द पावर j ओमेगा नॉट n, अगर हमने x ऑफ n प्लस n किया, हमें कहते हैं कि सिग्नल पीरियड कर रहे हैं, तो x ऑफ n प्लस n करने पर हमें ये चीज मिलेगी, मतलब अगर हम यहां n को रिप्लेस कर दें ओमेगा नॉट n प्लस n, तो ये चीज हमारी किसके बराबर होनी चाहिए, x ऑफ n के बराबर, मतलब e टू द पावर j ओमेगा नॉट n के बराबर, ये चीज होनी चाहिए। तो जो वैल्यू एंटी सिग्नेशन को सेटिस्फाई करेगी, उस एंटी हम कहेंगे कि वो डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन के हैं टाइम पीरियड, ठीक है। अगर इसको आप ओपन करें, दैट इज e टू द पावर j ओमेगा नॉट n इनटू ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन, इट मस्ट बी इक्वल्स टू ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन, ये ओमेगा नॉट एन ओमेगा नॉट एन तो कैंसिल हो गए, मतलब इस रिलेशन को सैटिस्फाई करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट कैपिटल एन इट मस्ट बी इक्वल्स टू 1। अब ये चीज बनकर होगी, आप जानते हैं ई टू द पावर जे, ई टू द पावर जे को आप लिखते हैं ई टू द पावर जे इक्वल्स टू cos x plus j sin x, तो यहां पर ओमेगा नॉट n है x के जगह पर, तो मतलब cos ओमेगा नॉट n plus j sin ओमेगा नॉट n, इसलिए वैल्यू 1 होगी। जब ये ओमेगा नॉट n क्या होगा, 2 पाई का कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई होगा, तब वैल्यू क्या होती है, कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन भी 1 होती है, मतलब अगर ये रिलेशन सैटिस्फाई होना चाहिए, दैट इज हम लिख सकते हैं e टू द पावर j ओमेगा नॉट n इट इज इक्वल टू e टू द पावर j 2 पाई m, अगर हम 2 पाई m ऐसी कोई भी कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन लेते हैं, तो हमेशा क्या होगी, 1 होगी। तो यहां से कंपेयर करके आप ये कह सकते हैं कि जो ओमेगा नॉट इनटू n की वैल्यू होनी चाहिए, वो किसके बराबर होनी चाहिए, 2 पाई इनटू n के बराबर होनी चाहिए, जहां पर ये n क्या है, कोई इंटीजर वैल्यू, 2 पाई का कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई आप लेंगे, तो ये वैल्यू आपको हमेशा 1 मिलेगी। अब यहां से देखिए, अगर आप यहां से n को डिफाइन करें, तो n की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट टाइम्स m, ठीक है। अब इस रिलेशन को एनालाइज कीजिए, जब आप कंटीन्यूअस टाइम के केस में लिखते थे, तो वहां पर भी पीरियड के लिए इसी टाइप का इक्वेशन आता था, वहां पर लिखते थे आप कंटीन्यूअस के टाइम में t इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर आपको n की वैल्यू जो इस रिलेशन को सैटिस्फाई करे, x ऑफ n प्लस n इक्वल्स टू x ऑफ n, तो इसमें कंडीशन इतनी वैल्यू पर नहीं, 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट, लेकिन इसके साथ एक और वैल्यू भी है m, देखिए है ऐसा क्यों जरूरी है, क्योंकि कंटीन्यूअस टाइम के केस में आपने देखा था पीरियड की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 0.67 किसी कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल का पीरियड हो सकता है, लेकिन अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, तो उसके लिए जो n की वैल्यू हमेशा ही टाइम पीरियड के साथ होनी चाहिए, एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, इंटीजर के लिए हो सकता है ये चीज अपने आप में इंटीजर नहीं हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 3.7, अगर 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट की वैल्यू 3.7 मतलब इंटीजर नहीं, तो टाइम पीरियड डिफाइन नहीं होगा इस वैल्यू को, कभी भी टाइम पीरियड नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप इसको किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें, तो अगर ये पूरी चीज इंटीजर हो जाए, मतलब इस n की वैल्यू अगर आप किसी में इंटीजर, तो वो क्या हो सकता है, सिग्नल टाइम पीरियड, जैसे अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इसलिए आप इस n को लिखते हैं, इट इज मिनिमम, या फिर ऐसे लिखते हैं, इट इज स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट मेक्स n एन इंटीजर,
तो ये जो n होना चाहिए क्या होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए। तो इसलिए हम n एक स्मॉलेस्ट इंटीजर सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहां पर 3 बाय 7 को इंटीजर बनाने के लिए अगर आप यहां 14 से मल्टीप्लाई करते तो 3 बाय 7 14 भी आपको क्या मिलता एक इंटीजर वैल्यू 6। लेकिन अगर मिनिमम इंटीजर की बात करें तो मिनिमम इंटीजर क्या है 7। इसलिए हमने क्या लिखा दिस n इज स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट मींस n एन इंटीजर। ठीक है, तो अब यहां से अगर आप देखें अगर आपको ये पूरी चीज क्या चाहिए एक इंटीजर वैल्यू चाहिए तो आप किसी इंटीजर से इस 2 पावर 1 लेकर आपको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और आप चाहते हैं रिजल्ट आपका जो रिजल्ट कैसा हो इंटीजर हो ये पॉसिबल है। जब ये 2 पावर 1 लेकर आता है आपने क्या हो रेशियो ऑफ इंटीजर्स हो। अगर ये रेशियो ऑफ इंटीजर है तभी आपको किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पर जो ओवरऑल क्वांटिटी क्या मिलेगी एक आपको क्या मिलेगी इंटीजर वैल्यू मिलेगी। इसलिए ये जो कंडीशन है यहां पर ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए डिस्क्रीट टाइम सीरीज के प्रोग्राम करने के लिए वो सबसे पहली कंडीशन है कि जो 2 पावर 1 लेकर आता है इट मस्ट बी ये क्या होना चाहिए इट मस्ट बी रेशियो ऑफ इंटीजर। मतलब किस फॉर्म का होना चाहिए पी बाई के फॉर्म का कोई नंबर होना चाहिए। ठीक है, चाहे 2 पावर 1 ओमेगा की बात करें या फिर हम इसके इनवर्स की बात करें ओमेगा नॉट 2 पाई की बात करें तो अगर 2 पावर 1 ओमेगा नॉट रेशियो ऑफ इंटीजर होगा तो ओमेगा नॉट 2 पाई क्या होगा रेशियो ऑफ इंटीजर होगा। तो सबसे पहली कंडीशन यही आपको देखनी है कि जो 2 पावर 1 ओमेगा नॉट है किसी भी सिग्नल के लिए वो क्या होना चाहिए रेशियो ऑफ इंटीजर स्क्वायर के साथ आपको रेशियो नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे वहां पर हम लोग कंपेयर करते थे कि अगर हमारे से ज्यादा पी सिग्नल्स हैं तो इनका कॉम्बिनेशन होगा तो पी होगा नहीं तो आप वहां पर सबके टाइम के रेशियो चेक करते कि वो वैल्यू कैसे होनी चाहिए रेशियो ऑफ इंटीजर। लेकिन यहां पर इंटीजर सिग्नल दिया है तो सबसे पहली कंडीशन यही है ये 2 पावर 1 ओमेगा नॉट रेशियो ऑफ इंटीजर होगा तभी n ऐसा कोई इंटीजर एग्जिस्ट कर सकता है जिसके लिए जो प्रोडक्ट आए वो कैसा मिले आपको n एक इंटीजर वैल्यू। ठीक है, इस चीज को रेडी है कि आप कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल समझे। जैसे मान लीजिए हमने x ऑफ n डिफाइन किया लेट इट इज sin ओमेगा नॉट n। ठीक है, फिर से आपको क्या चाहिए अगर ये सिग्नल प्रोडक्ट का sin हम पता है हम बताएंगे सिग्नल प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में x ऑफ n plus n हमारा किसके बराबर होना चाहिए x ऑफ n के बराबर होना चाहिए। अगर आप यहां पर देखें n plus n मतलब अगर आपने sin ओमेगा नॉट और n को प्लेस कर दिया n plus n से तो ये वैल्यू फिर से किसके बराबर चाहिए sin ओमेगा नॉट n के बराबर चाहिए। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ sin ओमेगा नॉट n plus ओमेगा नॉट n ये वैल्यू किसके बराबर चाहिए आपको sin ओमेगा नॉट n के बराबर चाहिए। sin ऑफ b + b इसको क्या लिख सकते हैं आप sin a * cos b + cos a * sin b। ठीक है, और ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए sin ओमेगा नॉट n के बराबर होनी चाहिए। देखिए यहां से ये पूरी चीज हमारी किसके बराबर चाहिए sin ओमेगा नॉट n के बराबर चाहिए। मतलब अगर आप देखिए इसे कंपेयर करके तो ये पूरा टर्म हमारा ये पूरा टर्म क्या होना चाहिए जीरो और इस टर्म की वैल्यू अगर क्या हो जाए 1 तो ये ओवरऑल चीज क्या हो जाएगी sin ओमेगा नॉट n 1 0 बराबर sin ओमेगा नॉट n। तो ये टर्म अगर आपको 1 चाहिए तो आपके पास दो कंडीशंस हैं यहां से ये टर्म 0 होना चाहिए और ये टर्म क्या होना चाहिए 1। तो अगर आप यहां से देखें तो cos ओमेगा नॉट n ये वैल्यू होनी चाहिए 1 और यहां से ये जो sin ओमेगा नॉट n है ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0। मतलब ओमेगा नॉट n की टर्म्स को देख रहे हैं ये टर्म अगर 0 हो जाए और ये टर्म अगर 1 हो जाए तो हमारा रिलेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए cos को भी वैल्यू 1 कब होती है जब ये जो cos में लिखा हुआ फंक्शन है ये क्या होती है पाई का कोई इंटीजर मल्टीपल हो और sin में की वैल्यू 0 कब होती है जब ये जो भी वैल्यू होती है पाई का कोई इंटीजर मल्टीपल हो। तो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे वो क्या कंडीशन है अगर कोई चीज 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगी पाई का इंटीजर मल्टीपल होगी। तो इन दोनों से कंबाइन करके आप ये कह सकते हैं कि दोनों रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे। अगर फिर से क्या कंडीशन हो जाए ये ओमेगा नॉट n ये क्या हो जाएगा 2 पाई का कोई इंटीजर मल्टीपल हो जाए तो ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो यहां से फिर से आप अगर देखते हैं n की वैल्यू तो n की वैल्यू कैसे करेंगे आपको 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट इनटू m। तो फिर से n हमारा इंटीजर होना चाहिए तो इसलिए आपको n की ऐसी स्मॉलेस्ट इंटीजर इंटीजर वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिसके लिए ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाए एक इंटीजर वैल्यू मिले आपको। ठीक है, तो यहां से फिर से आपने देखा कि ये जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो तभी हो सकती है जब ये जो टर्म आपका 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट ये अपने आप में क्या है रेशियो ऑफ इंटीजर्स होगा। रेशियो ऑफ इंटीजर्स नहीं होगा तो फिर आप n की कोई एक इंटीजर वैल्यू ऐसे नहीं ले सकते जिसके लिए प्रोडक्ट क्या हो जाए इंटीजर हो जाए। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए अच्छा तीन चीजों की बात करेंगे अगर हम जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम पीरियडिक सिग्नल्स जैसे वहां लेते हैं हम साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव ऐसे यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर साइन ऑफ ओमेगा नॉट एन प्लस फाइव हो या कॉस ऑफ ओमेगा नॉट एन प्लस फाइव या फिर फाइव की वैल्यू जीरो तो साइन ओमेगा नॉट एन कॉस ओमेगा नॉट एन कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल किस फॉर्म में होंगे पावर जे ओमेगा नॉट एन प्लस फाइव या फिर फाइव की वैल्यू जीरो पावर जे ओमेगा नॉट एन। तो ये सभी जो है जनरल हमारे स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन किसके लिए फॉर डिस्क्रीट टाइम पीरियडिक।